स्लाइज के एड में जो आप आम देखते हो वो असल में स्पंज होता है, और रोटी के एड में जो आप ये पुली हुई रोटी देखते हो वो असल में बलून होता है, और एड में जो आप ये पेस्ट्री देखते हो वो असल में कार्डबोर्ड है, और कैसे सूप पॉलिश से नॉनवेज एड को बनाया जाता है। ऐसी और भी चीजें जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, एडवर्टाइजमेंट में जो रोटी होती है असल में उसके अंदर बलून होता है। नॉर्मली जब रोटी फूलती है तो कुछ देर बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाती है। रोटी नॉर्मल ना हो इसीलिए इसमें इस तरह का बलून डाला जाता है। रोटी बनाने के बाद उसके नीचे एक कट मारा जाता है, उसके बाद उसके अंदर बलून डालकर उसे पुला दिया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि रोटी पुली हुई है। नंबर 7, मैंगो जूस। मैंगो जूस के एड में जो आम होता है वो पूरा नकली होता है, और जब उसे कट किया जाता है तो उसके अंदर वाली बाग को दिखाने के लिए स्पंज का इस्तेमाल किया जाता है। माचा के एड में आपने ये वाला सीन देखा होगा। अगर आप मैंगो के साथ ऐसा करोगे तो रियल में ये होता है, लेकिन इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए स्पंज का उपयोग किया जाता है, और इसका भी रीजन यही है कि रियल मैंगो का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसे बनाने में काफी टाइम लगता है, इसलिए यही करना सही है। वैसे आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। नंबर 6, पेस्ट्री। ये पेस्ट्री टीवी में जितनी बड़ी लगती है उतनी बड़ी होती नहीं, क्योंकि इन्हें बनाने में कार्डबोर्ड का यूज किया जाता है। एक एक करके पेस्ट्री और कार्डबोर्ड को लगाया जाता है, और कार्डबोर्ड के बड़े और मोटे टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो पेस्ट्री और भी ज्यादा बड़ी दिखाई दे, और फिर इनके बीच क्रीम लगाई जाती है। जो क्रीम होती है वो असल में शेविंग क्रीम होती है, और उसमें जो केक है वो असली ब्राउनी भी नहीं होता, और अगर आप इसे गलती से टेस्ट भी करोगे तो आपको लगेगा कि आप पेपर खा रहे हो। नंबर 5, एड में किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा दिखाना है तो एड्स वाले धुएं का इस्तेमाल करते हैं, और इसे देखकर हमें लगता है कि खाना बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा होगा, पर असलियत में ये धुआं बस ड्राई आइस है। ड्राई आइस के छोटे से टुकड़े को डाला जाता है और उसे पानी में डालते हैं, और थोड़ी देर बाद जब धुआं कम होता है तो उसे गर्म खाने में या ठंडे कोल्ड ड्रिंक के पीछे लगा दिया जाता है, और ऐसा इफेक्ट दिखता है कि जैसे खाना गर्म हो, और खाना गर्म तो छोड़ो कहीं पर असली भी नहीं होता। नंबर 4, इंस्टेंट नूडल्स। टीवी में जब नूडल्स को दिखाया जाता है तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा दिखाई जाती है। वो इसमें 2 पैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो ऐसा दिखता है कि वो एक ही पैकेट हो, और ऐसा नूडल्स के साथ ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रोडक्ट के साथ किया जाता है। किसी के साथ पैकेट को बहुत बड़ा बनाया जाता है, लेकिन वो ज्यादातर कोकला होता है, और बड़े पैकेट को वो स्पेशली एड के लिए बनाते हैं। नंबर 3, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एड्स में जो फल और सब्जी आप देखते हो अगर आप उसे खाओगे तो आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि ये प्लास्टिक या मोल्ड से बनते हैं, और इसे प्रेस और अच्छा दिखाने के लिए इसके ऊपर पानी का फुहारा मारा जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और कई बार तो इनके ऊपर लिक्विड इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये बहुत ज्यादा साइन करते हैं। नंबर 2, नॉनवेज फूड्स। नॉनवेज एड में जो चिकन है ये सब कच्चा होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से पका हुआ है, लेकिन असलियत में वो कच्चा होता है। उसके ऊपर पहले तो मसाला छिड़कते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर कॉफी या किसी प्रकार का ब्राउन पेन डाल देते हैं, और जिसे देखने के बाद हमें लगता है कि वो अच्छे से पका हुआ है, और कई बार इसके कुछ जगह पर टॉर्च भी मारते हैं, और ऊपर से सूप पॉलिश भी लगा दिया जाता है ताकि देखने में ये बहुत अच्छे लगे। नंबर 1, नूडल्स। टीवी में आपने नूडल्स देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ में नूडल्स ऐसे कभी दिखते ही नहीं। सबसे पहले नूडल्स की मात्रा ज्यादा दिखाने के लिए ऐसे रखा जाता है, पहले बीच में एक छोटी कटोरी रखी जाती है और उसके ऊपर नूडल्स, क्योंकि नॉर्मल नूडल्स इतने भी अच्छे नहीं दिखते और उसी के साथ वो उतने ब्राइट भी नहीं होते, इसलिए एड वाले पहले तो नूडल्स में बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर से नूडल्स के ऊपर ये डाला जाता है। ये एक प्रकार का सिरप है जो कि इसे साइन देता है, और कई एड्स में तो सिरप की जगह नेल पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।